डिस्टिंक्ट विजन और रिलैक्स्ड आई, इसका मतलब क्या है? जब इमेज जो बने वो अगर डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो उसको डिस्टिंक्ट विजन का केस कहते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो उसको डिस्टिंक्ट विजन का केस कहते हैं, और अगर इमेज बने इन्फिनिटिव पे अगर इमेज बन रही है तो उसको रिलैक्स आई कहते हैं। जैसे अगर आप किसी दूर की चीज़ को देखते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं देना पड़ता अपने आँखों पर, सिलेरी मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, आँखों पे जो आई बॉल है उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप नज़दीक रखी हुई किसी चीज़ को देखते हो तो आपको अपनी आँख का फोकस करना पड़ता है, यानी पावर बढ़ानी पड़ती है, नज़दीक करने की चीज़ को देखने के लिए आपको अपनी पावर बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब डिस्टिंक्ट विजन पे यानी 25 सेंटीमीटर नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट को रख के देखोगे ना तो आपके आँखों पे जोर पड़ता है, आपको अपनी आँख पे जोर डालना पड़ता है, ये नॉर्मली हर इंसान के साथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर आपका सिलेरी मसल्स आपकी आई बॉल को दबाता नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा है 25 सेंटीमीटर पे तो आपका सिलेरी मसल आपकी आई बॉल को दबा के फोकस को कम करता है, यानी पावर को बढ़ाता है, फोकस को कम करता है और पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो आपके आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर कोई पूछे तुमसे कि ये बताओ एक हेल्दी आई के लिए कौन सा कंडीशन अच्छा है, इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना कि इन्फिनिटी पे बनाना, तो तुम क्या आंसर दोगे? एक हेल्दी आई के लिए इन्फिनिटी पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक आँख के जो है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आँखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े, उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा जोर ना देना पड़े आँख पे, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो आँख के लिए अच्छा होगा, और अगर डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी इमेज तो आँख के लिए अच्छा तो नहीं है, हेल्दी तो नहीं कहा जाएगा उसको, नुकसान ही तो करेगा वो फ्यूचर में, इलास्टिसिटी जो सिलेरी मसल्स की है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करेगा, और लूज़ करेगा तो फिर फोकस को मेंटेन रखना उतना आसान नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखना, तो डिस्टिंक्ट विजन वाले केस में हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन आया था 1+D/F आया था, और रिलैक्स आई वाले केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन आया था D/F। तो D/F इस केस में है, यहाँ 1+D/F है, तो किस केस का मैग्निफिकेशन ज़्यादा है? डिस्टिंक्ट विजन में मैग्निफिकेशन ज़्यादा है। तो अगर कोई सिर्फ मैग्निफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि कौन सा मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, तो डिस्टिंक्ट विजन वाला मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, मैग्निफिकेशन के टर्म में पूछ रहा है कि कौन सा मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, तो तुम तो बोलोगे डिस्टिंक्ट विजन वाला ज़्यादा है, लेकिन आँख की हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा कि कौन सा सिनेरियो, किस सिनेरियो में आँख के लिए एक कंड्यूसिव सिनेरियो मतलब बनेगा, आँख को नुकसान नहीं पहुँचाने वाली सिचुएशन कौन सी है, तो वो है रिलैक्स आई। रिलैक्स आई वाले केस में आँख के लिए की हेल्थ के लिए ये एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है कि आँख को जोर नहीं देना पड़ रहा है फोकस करने के लिए, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, ठीक है, रेटिना पे जो इमेज बन रही है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो हेल्थ के कॉन्टेक्ट, आई के हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो रिलैक्स आई ज़्यादा अच्छा केस है हमारे लिए, हमारी आँख के लिए। लेकिन सिर्फ मैग्निफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा कि कौन ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा है, तो दिख भी रहा है ये D/F है, ये 1+D/F है, ये वैल्यू ज़्यादा है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब ये जो दो सिनेरियो हैं ये बहुत काम के सिनेरियो हैं, इसको भूलना नहीं है तुमको। रीज़न क्यों? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें हम इन दोनों ही केसेस को यूज़ करेंगे, रिलैक्स आई वाले को भी यूज़ करेंगे और डिस्टिंक्ट विजन वाले को भी यूज़ करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करेंगे, दोबारा से हम डेरिवेशन नहीं करेंगे ये वाला जो हम लोगों ने आज किया है, हम डायरेक्टली उसका यूज़ करेंगे सीधे, और वो डेरिवेशन हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बहुत सिंपल हो जाएगा। जनरली क्या होता है, बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन को बुक में लंबा सा लिखा होता है, उसको सबको डेरिवेशन करने लगते हैं, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर तुम सिंपल माइक्रोस्कोप के ये दोनों कंडीशन का डायरेक्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ कर दोगे ना रिजल्ट का, तो तुम्हारा डेरिवेशन बहुत छोटा हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से
चाहे CBSE चाहे ISC बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी और सिंपल माइक्रोस्कोप के भी और इवन टेलीस्कोप के भी, याद रहेगा? ठीक है, इसको रखते हैं आज के लिए, कल हम लोग इस पे आगे की बात करेंगे, ठीक है।